हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आज अपने खेत में। ठीक है, तो हमने मौसम्बी के पौधे लगाए हुए हैं, तो वो 6 मंथ के करीब हो चुके हैं। तो इनमें अब फूल पड़ चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कि फूल को आपने कैसे तोड़ना है। ठीक है, ये देखिए, ये कैमरा मैंने लगा लिया। ये देखिए, ये जो वाइट वाइट है, इसका जो फूल है, इसको आपने क्या करना है, ऐसे अलग कर देना है। ठीक है, जिससे कि ये फूल तोड़ना क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जो है पौधा जो है मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अभी वो क्षमता नहीं है कि ये मौसम्बी के वेट को संभाल सके। ये देखिए, ये सारे फूल आपने तोड़ देने हैं इस प्रकार से। ये देखिए, जैसे ये इसको तोड़ देना, अलग कर देना है पौधे से। ठीक है, जिससे कि इसकी ग्रोथ बनी रहेगी। कम से कम तकरीबन 4 से 3 4 साल तक हमें ये ऐसे तोड़ने हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये HP सेवा क्लस्टर के द्वारा लगाया गया है, गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, जिसमें इनका मेन मोटिव है कि किसानों की जो आय है उसको इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, पहले क्या होता था कि हम खेती करते थे तो हम अनाज वगैरह उगा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कम से कम जगह में ज़्यादा पैदावार की जाए। इसका रीज़न ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके खाने की आपूर्ति कैसे की जाए, तो उसका एक ही फार्मूला है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाए, वो चाहे मौसम्बी की हो, चाहे कणक, आटा, दाल, चावल या जो भी चीज़ें हों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं इनको तोड़ रहा हूँ। अब ये जो पौधा है, ये बहुत छोटा है। ठीक है, अर्ली स्टेज में है, यानी कि जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अभी ये बच्चा है। ठीक है, जैसे अभी स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको सबसे पहले 1 2 3 ABC वगैरह सिखाई जाती है, वो इसीलिए कि जब वो बड़ा हो, समाज में बाहर निकले कहीं, तो उसको हर एक चीज़ पता हो। ठीक है, कई बार इन पौधों में कीड़े भी लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, कुछ इन पौधों की दवाइयाँ होती है जो हमें यूज़ में लानी पड़ती हैं। ठीक है, आज से 40 50 साल पहले तो हम अपनी देसी खाद ही डालते थे। ठीक है, उसी से ही हर एक चीज़ होती थी, लेकिन आज क्या है, आज हम लोग पेस्टिसाइड की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, जिससे क्या है, हमारी मिट्टी का उपजाऊपन है, ये देखिए, ये मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है इसका उपजाऊपन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें सर्वे की, तो सर्वे में ये कहा गया है कि अब जो पैदावार है, जो मतलब हम अनाज पैदावार की क्षमता है कि 40 से 45 बार ही हम अनाज पैदा कर सकते हैं, यानी कि आने वाले 2050 तक हमारे पास जो अनाज पैदा करने की क्षमता होगी, वो ऐसा समझ सकते हैं, अगर ये 2022 है तो मतलब 22 गुना कम पैदावार होगी अनाज की। तो इसलिए सेव द सॉइल, ठीक है, पेड़ पौधे लगाएं, और पेड़ पौधे लगाए ताकि मिट्टी में क्या है, छाया बने रहे, जिससे क्या है, उसका उपजाऊपन बना रहेगा। अगर हमारे पास पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, तभी हमारी मिट्टी सुरक्षित रह सकती है और उपजाऊ रह सकती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बुट्टा है, इसमें भी एक पौधा लग चुका है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसमें। ओके, तो चलिए इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, सेव द सॉइल, सेव द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको इस तरह के वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, और भी वीडियो देखना चाहते हैं, और इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको एग्रीकल्चर के बारे में बता के। ठीक है, धन्यवाद।